नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग गेम में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नर्सिंग गेम आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक बार फिर से हम नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो निकली है चित्तौड़गढ़ में, जो यूटीवी बेसिस पे ये वैकेंसी निकली है। पूर्णतः यूटीवी बेसिस पे है, जिसमें GNM की पोस्ट निकली है, NM की पोस्ट है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 27/12/2022 को जारी हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नर्सिंग एम से जुड़ी हर भर्ती के लिए नर्सिंग एम हमेशा तत्पर है, अपनी नई ऊंचाई को छूने के लिए, नई वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए नर्सिंग एम से जुड़े और अपने सपनों को पूरा करें। तो चलते हैं बिना समय गमाए अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारे जो हमने टेलीग्राम चैनल चालू किया है उस पे भी मिल जाएगी, और इसका जो गूगल फॉर्म है भरने का लिंक वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन देंगे, वहाँ जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं बिना समय गमाए अपनी नोटिफिकेशन की ओर। क्या है नोटिफिकेशन, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन? तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा ये वैकेंसी निकली है, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 27/12/2022 को जारी हुआ है। विज्ञप्ति: आम जन को समुचित सहज व सुलभ चिकित्सा व सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 6 जयपुर दिनांक 5/4/2022 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के पालना में चित्तौड़गढ़ जिले में इस विभाग के अंतर्गत स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक लोने तक जो भी पहले हो तक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा अंधीन सेवा नियम व समय समय पर संशोधित राजस्थान सेवा में प्रावधानुसार आवश्यक अस्थायी यूटीवी आधार पर निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 28/12/2022 प्रातः 10 AM से दिनांक 5/1/2022 से शाम 5 PM तक की वेबसाइट www.chittorgarh.rajasthan.government.in पर गूगल फॉरम के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म की जो डेट है वो 28/12/2022 से शुरू हो गई है और 5/1/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे, और जो फॉर्म है वो शाम 5 तक स्वीकार किए जाएंगे 5 PM पर, और 5 इसकी दोस्तों लास्ट डेट है 5/1/2023 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। और इसका जो फॉर्म है वो गूगल फॉर्म से भरा जाएगा, जिसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां जाके आप फॉर्म भर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर हर अपडेट हर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है।
और अब देखते हैं दोस्तों इसमें किसकी क्या पद है। तो दोस्तों इसमें जीएनएम एनएम तो जीएनएम की दोस्तों इसमें 48 पोस्ट है और एनएम की महिला स्वास्थ्य कर्ता की इसमें 129 पोस्ट है। दोस्तों ये जीएनएम की इसमें 48 पद हैं और महिला स्वास्थ्य कर्ता एनएम की इसमें 129 पोस्ट है। और इसमें जीएनएम में दोस्त जो पोस्ट है इसमें बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो प्रमाण पत्र है आपको आरएनसी प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, आरएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जीएनएम में बीएससी नर्सिंग वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। महिला स्वास्थ्यकर्ता की एनएम की जिसमें एनएम की ट्रेनिंग होना चाहिए और आरएनसी से प्रमाणित होना चाहिए। तो विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 4/10/2014 से 9/11/2017 यूटीबी के संबंध में विभागीय 5,000 समय समय पर जारी विभागीय आदेश के निर्धारित पद शर्तों के अधीन भर्ती की जाएगी। आरक्षण लाभ निम्नानुसार दे होगा। आवेदन विस्तृत जानकारी www.chittorgarhrajasthan.government.in से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त अस्थायी भर्ती के संबंध में आवेदन समय समय पर उक्त वेबसाइट पर अध्ययन जानकारी प्राप्त करते रहें। चयन प्रक्रिया अंतिम निर्णय चयन कमेटी द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों इसमें ये वेबसाइट है, इस पे जाके गूगल फॉर्म भरना है, गूगल से फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन है वो भी गूगल फॉर्म के द्वारा। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 से शुरू हो गई है और 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों गूगल फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम बता रहे हैं कि आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर अभी तक ने आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे गूगल फॉर्म पे अपन क्लिक करेंगे तो अपने सामने ऐसा फोल्डर खुल जाएगा, तो जिसमें जीएनएम की रिक्वायरमेंट दे रखी, जीएनएम एनएम यूटीबी रिक्वायरमेंट 2022 डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। यहाँ ईमेल डालना है, ईमेल लिखा हुआ होगा। दोस्तों जीमेल इसमें वो डालना जिस पे आपको हर अपडेट हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फिर दोस्तों जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें फिल इन इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक लेटर कैपिटल है, तो सारी डिटेल है दोस्तों आपको इसमें कैपिटल लेटर है उसमें भरनी है। कैपिटल लेटर में आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। इस पे जीएनएम का एनएम अप्लाई फॉर पोस्ट आपको किस पे अप्लाई करना है, अगर जीएनएम पे करते हैं तो जीएनएम पे क्लिक करें, एनएम का अप्लाई करते हैं तो एनएम पे टिक करें। फिर आता है दोस्तों नेम ऑफ कैंडिडेट, तो इसमें जो दोस्तों इंफॉर्मेशन है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार नाम आपको इसमें फिल करना है, डिटेल भरनी है और ये कैपिटल फॉर्म में भरना है। फिर है फादर नेम, फिर जेंडर दोस्तों इसमें मेल है फीमेल है अदर है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है,
टेंथ की मार्कशीट के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है, आपको एज है वो उसके निकालनी बाद है, आपको इसमें इसमें 1/2023। और दोस्तों इसमें एज केवल एज ही लिखनी है, ईयर वियर कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, उसके बाद आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हैं वो दोस्तों इसमें एड्रेस है वो अच्छे से भरना, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस दे रखा है वही भरना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, स्टेट इसमें राजस्थान आ जाएगा। परजेंट एड्रेस दोस्तों, परजेंट एड्रेस आपका कौन सा है, परमानेंट एड्रेस जो आपका स्थायी पता है, और परजेंट एड्रेस हुआ है दोस्तों जिस पे आप अभी अस्थायी रह रहे हैं। तो इसमें तहसील आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। ये डिटेल भरने के बाद दोस्तों इसमें आपको अपने आधार नंबर डालने हैं, इसमें आपको मोबाइल नंबर भरने हैं। ये भरने के बाद इसमें आ जाएगा दोस्तों कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आप कैटेगरी से चूज करते हैं वो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें ईमेल डालना है, क्या ईमेल रहेगा ये दोस्त मैं फिल करके ऐसे बता रहा हूँ आपको। इसमें 12th आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है उसकी डिटेल डालनी है। ईमेल दोस्तों अच्छे से डालना, सीनियर सेकेंडरी आप कब ने पास, 12th आपने कौन सी ईयर में पास की थी उसकी डिटेल डालनी है। इसमें 12th के टोटल मार्क्स डालने हैं, इसमें 12th के जो आपके मार्क्स आए हैं वो डालने हैं। इसमें टेक्निकल, जैसे अगर JNM कर किया तो JNM भर दें, BSc कर किया तो BSc नर्सिंग भर दें, और NM कर किया तो NM की इसमें डिटेल डाल दें। वो करने के बाद दोस्तों इसमें आपको मेडिकल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट नेम वो डालना है, ईयर ऑफ पासिंग आपने JNM, BSc नर्सिंग या NM कौन से ईयर में किया वो भरना है। ये भरने के बाद इसमें आपके JNM में या BSc नर्सिंग में कितने मार्क आए हैं वो डालने हैं, और मेडिकल टेक्निक इसमें JNM में, BSc नर्सिंग या NM जो भी आप भर रहे हैं उसमें कौन कितने मार्क आए हैं वो भरना है। और इसमें आपको इंटर्नशिप कंप्लीटेड ईयर, अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीटेड ईयर है तो इसमें यस डाल देना वरना नो डाल देना। और RNC अगर आप राजस्थान से रजिस्टर्ड हैं तो यस करना है, नो करना है। लेकिन दोस्तों इसमें केवल राजस्थान वालों को ही लिया जा रहा है, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो चित्तौड़गढ़ के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जा। और इसमें ये डेट सेट करनी है कि रजिस्ट्रेशन वैलिड डेट आपकी कब सी है, जैसे किसी के 22 है, किसी के 23 है, किसी के 24 है, तो वो भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, क्या आप रजिस्ट्रेंस, क्या आप चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं तो यस भरना, अगर नो नहीं करते हैं तो नो भरना। फिर आपको ये डिक्लेरेशन करके यहाँ टिक करना है, फिर सबमिट कर देना है। तो कैसी रही दोस्तों इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का जल्दी मिलें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।